हेलो गाइस, आज मैं छोले भटूरे की रेसिपी डालूंगी। आप लोग देखिए, बिना मसाले के मेरे साथ बनी रही है। मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि स्वाद होने के लिए छोले को, और थोड़ा सा हल्दी भी डालूंगी। उसके बाद उसको सॉस और सात चीनी मारूंगी, सब पक जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, और मैंने थोड़ा सा टोमेटो, एक टोमेटो पेस्ट करके रखा, वो भी डालूंगी। और इधर थोड़ा प्याज और लहसुन भी है, मैं दिखाऊंगी। मसाला तैयार कर रही हूँ। जीरा, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि पहले मैं छोले में दिया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं मिक्स करके रखूंगी। इसे मिक्स करूंगी सब मसाला। इसे मिक्स करूंगी मैं, मसाला को रेडी करके रखूंगी। मैंने कढ़ाई को बैठा दिया गरम होने तक। कढ़ाई गरम हो गया, अब इसमें तेल डालूंगी। थोड़ा सा तेल दिया मैंने, ज़्यादा तेल नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा तेल अच्छा नहीं लगता, मसाला भी अच्छा नहीं लगता। अभी तेल गर्म हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा दालचीनी दूंगी गोटा, और एक तेज़पत्ता दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी, साथ में अदरक भी गिर गया थोड़ा टुकड़ा, और गोटा जीरा आधा चम्मच, इसमें डालूंगी प्याज, मैंने पेस्ट करके रखा था पहले वो। ब्राउन कलर तक करूंगी, ब्राउन कलर हो गया है। अब मैं ऐड करूंगी टोमेटो पेस्ट। एक टोमेटो लिया था मैंने ठंडे के सीजन में, ज़्यादा खाने लगेगा इसलिए। अभी टोमेटो भी फ्राई हो गया, इसमें मैं मसाला ऐड करूंगी। मसाला पहले मैंने रेडी करके रखा था, ज़्यादा मसाला नहीं लिया मैंने क्योंकि ज़्यादा मसाला नहीं खाते, इसलिए आप लोग चाहे तो छोले मसाला और भी मसाला ले सकते हो। मैं थोड़ा मसाले के साथ पका लूँगी प्याज और टमाटर को, थोड़ा ढक के रख दूँगी। अभी देखो मसाला पक गया, तेल निकलने लगा। कलर भी आ गया उसमें। छोला मैंने बॉयल करके रखा था वो डाल दूंगी। जूस भी है वो भी मैंने ऐड करूंगी, और अदरक मैंने अभी दे दूंगी। उसमें मैंने थोड़ा आलू भी लिया क्योंकि बच्चे ने आलू बोला, इसलिए थोड़ा आलू भी लिया मैंने। सिर्फ एक ही आलू दिया बच्चे के लिए, हो गया। अभी इसमें
इसमें मैंने दो तीन कच्चा मिर्च भी किया राजू जी को इसमें मैंने थोड़ा झोल रखा था वो भी ऐड कर दूंगी। इसको मैंने तड़का लगा दूंगी बाद में तो अच्छा सा स्मेल आएगा। थोड़ा सा मैंने ढक के रख दूंगी। मैं खुल के देख लेती हूँ क्या देखो इतना अच्छा हो गया। मैं तड़का लगाऊंगी अभी इसमें थोड़ा मैंने बटर लूंगी थोड़ा सा बटर लिया मैंने और एक चम्मच घी भी मैंने ऐड किया। मैं अभी तड़का लगाऊंगी उसको देखा रो अंजा। मैं एक हुईसेल लगाऊंगी अभी मैंने ढक के रख दिया। मैंने थोड़ा सा नींबू ऐड करूंगी नींबू ऐड करने से अच्छा लगता है। थोड़ा नमक ऐड किया मैंने इसमें मैंने थोड़ा सा हरे धनिया दूंगी अभी और अच्छे लगे तो आप लोग ट्राई करके देखना मेरा तो बहुत अच्छा लगता है। मसाला भी कम है ट्राई करके ज़रूर देखना घर में और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस प्लीज़। बाय बाय।